Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study, class 3, chapter 4. इसके पहले वीडियो में मैं इस चैप्टर 4 का पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इस चैप्टर को मैं पढ़ाया था. इसके बाद इस रिलेटेड सम हार्डवर्ड्स है, जिस हार्डवर्ड्स को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस हार्डवर्ड्स को आप जो है सो सुंदर राइटिंग में आप अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे. स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर स्क्वायर मीन्स वर्ग होता है. पॉपुलेशन, पी ओ पी यू एल ए टी आई ओन, पॉपुलेशन मीन जनसंख्या होता है. गवर्नमेंट, जी ओ वी ई आर एन एम ई एन टी, गवर्नमेंट मीन सरकार होता है. इलेक्शन, ई एल ई सी टी आई ओ एन, इलेक्शन मीन चुनाव होता है. वेलफेयर, डब्ल्यू ई एल एफ ए आर ई, वेलफेयर मीन्स कल्याण होता है. प्रेसिडेंट, पी आर ई एस आई डी ई एन टी, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति होता है. प्राइम मिनिस्टर, पी आर आई एम ई प्राइम एम आई एन आई एस टी या प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री होते हैं. कैपिटल, सी ए पी आई टी एल, कैपिटल मीन्स राजधानी होते हैं. गवर्नर, जी ओ वी ई आर एन ओ आर, गवर्नर मीन्स राज्यपाल होते हैं. चीफ मिनिस्टर, सी एच आई ई एफ एम आई एन आई एस टी या चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होते हैं. काउंसिल, सी ओ यू एन सी आई एल, काउंसिल मीन्स परिषद. यूनियन टेरिटरीज, यू एन आई ओ एन, यूनियन टी ई डबल आर आई ओ टी आर आई एस, यूनियन टेरिटरी में केंद्रशासित प्रदेश होता है. डिवर्सिटी, डी आई वी ई आर एस आई टी वाई, डिवर्सिटी मीन्स अनेकता होता है. यू एन आई टी वाई, यूनिटी मीन्स एकता होता है. एल एन जी यू ए जी लैंग्वेज मीन्स भाषा होता है. पी आर ओ यू डी प्राउड मीन्स गर्व. एडमिनिस्ट्रेशन, ए डी एम आई एन आई एस टी आर ए टी आई ओ एन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासनिक. इस तरह से ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको इतने हार्डवर्ड्स है, इस हार्डवर्ड्स को आप अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे. अब इसके बाद इसमें दो सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन है, दो है, ये दो क्वेश्चन को आप राइट डाउन करेंगे. हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया हमारे देश में कितने राज्य है. तो देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया, हमारे देश में 29 राज्य है. नेम द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा राज्य इंडिया में कौन है, तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया ऑफ इंडिया. क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है. इसके बाद ये दो क्वेश्चन हो गया, नोट कर लेंगे. इसके बाद आपको है सिलेक्ट द टिक एंड करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नोट करना है. इसमें तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तीन में एक सही है, उसको टिक लगाना है. दिस स्टेट लाई इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, पूर्व में कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है. तो अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, तो अरुणाचल प्रदेश पर टिक लगा दीजिए. व्हिच ऑफ दी इज नॉट यूनियन टेरिटरीज, मणिपुर, लक्षद्वीप और दिल्ली, इसमें यूनियन टेरिटरी कौन नहीं है, तो मणिपुर नहीं है, तो मणिपुर स्टेट है, इसलिए इस पर टिक लगा दिए. हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, 6, 7, 8, तो कितने हैं, 7 हैं, तो 7 में टिक लगा दिए. तो इस तरह से आप इसको टिक लगा लेंगे. अब आपको सेक्शन 2 में आइए, सेक्शन 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स को भी आप फिलअप कर लेंगे. द स्टेट गवर्नमेंट वर्क फॉर्म द डैश, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वह स्टेट के लिए वर्क करते हैं, तो स्टेट यहाँ जैसे भरा हुआ है, स्टेट भर लेंगे. डैश इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा है, तो गोवा भर लेंगे. चंडीगढ़ इज द कैपिटल सिटी ऑफ बोथ डैश एंड डैश, तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा दोनों का राजधानी चंडीगढ़ है, तो इसलिए पंजाब एक में भर लीजिए, दूसरे में हरियाणा भर लेंगे. देयर आर डैश इन इंडिया, तो देयर इज यूनिटी इन इंडिया, तो इंडिया क्या है, एकता में ता है, इसलिए यूनिटी इसमें फिलअप कर देंगे. उसके बाद जो है आपको ट्रू फॉल्स करना है. वी हैव ए नॉमिनेटेड गवर्नमेंट, हम लोग की सरकार जो है नॉमिनेटेड है, तो इसको जो है सो नॉमिनेटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, इसलिए आप फॉल्स हो गया, फॉल्स कर देंगे. द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, हमारा जो है पूरे देश में जो है पूरा देश में उसको हमको जो है सो इस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में विभाजित किया गया है, या ट्रू है तो ट्रू कर देंगे. चंडीगढ़ इज स्टेट कैपिटल एज वेल एज यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ जो है स्टेट कैपिटल है और यूनियन टेरिटरी भी है, इसलिए इसको ट्रू कर दिए. दिल्ली इज ए स्टेट, दिल्ली एक राज्य है, या फॉल्स हो गया तो फॉल्स कर दिए, क्योंकि यह संपूर्ण राज्य नहीं है. नाउ अ
अब जो है सो क्वेश्चन नंबर इसका सी है, सी का क्वेश्चन आंसर है। इस क्वेश्चन आंसर को आप जो है तो राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन आंसर में आपको व्हाट डज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सेवरल मिनिस्टर, ऑल दीज हैव ऑफिस इज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन सी का फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड कहता है व्हाई हैज इंडिया बीन डिवाइडेड इंटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी, तब इंडिया को राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में क्यों विभाजित किया गया, तो इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी बिकॉज टू मेक इट इजी टू रूल, मतलब आसानी से उसके नियम को पालन करने के लिए इसको छोटे छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में विभाजित किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम द स्टेट विल द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया वर्क अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जैसे यूनियन टेरिटोरीज का होता है और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है तो स्टेट के द्वारा होता है, काम होता है। इस तरह से क्वेश्चन टू हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है नेम ऑल द साउथर्न स्टेट, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो सभी राज्य का नाम लिखना है। तो दक्षिण भारत का राज्य जो होता है वो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है और कर्नाटक है और केरल है। आंध्र प्रदेश में ये पांच ये जो है सो दक्षिण भारत के पांच राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक एंड केरल आर द साउथर्न स्टेट, ये तीन का हो गया। चार में कह रहा है आपको कि हु इज ए गवर्नर, द पर्सन हु हेल्प द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रन द स्टेट गवर्नमेंट इज नो एज गवर्नर। कहने का मतलब कि गवर्नर उसको कहते हैं जो मुख्यमंत्री को और मंत्रिपरिषद के जितने सदस्य हैं सबको जो है वह हेल्प करता है, सहायता करता है, उसको हम जो है गवर्नर कहते हैं। ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया विथ कैपिटल ऑल्सो राइट डाउन हिमसेल्फ इन फेयर कॉपी। कहने का मतलब हो गया कि ये चार आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, ये चारों क्वेश्चन आंसर को आप फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और इस फेयर कॉपी में राइट डाउन करने के बाद आपको जितने हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटोरीज हैं, ये 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटोरीज को आप अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे और उस सामने उसका राजधानी भी लिखेंगे, कैपिटल जो होता है। सो तो स्टेट और कैपिटल दोनों को अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन करना है। आप अपने फेयर कॉपी में इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे। इस तरह से आपका चैप्टर फोर का क्वेश्चन आंसर जो है कम्प्लीट हो गया। इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और फिर जब आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी तो फिर आप वीडियो जो है सो को फेयर कॉपी कंप्लीट करके और उसके बाद जो है तो कॉपी यहाँ सबमिट करेंगे। थैंक यू।